दिखी रहा है शंकु जी, है ना? क्या लग रहा है, खेला हो रहा है? अरे खेला नहीं, क्वेश्चन है, देखो क्या समझ रहा है क्वेश्चन क्या। एक समकोण त्रिभुज है, वास्तव में समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, 90 डिग्री का कोण दिख रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का कोण, एक समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये छोटा सा भुजा जो है हमने कितना लिए है, 3 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है कर्ण के अतिरिक्त, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा ये है, इसके अतिरिक्त मतलब इसको छोड़कर जो शेष भुजा है वह है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है? उसको क्या किया गया है, कर्ण के परितः, मतलब कर्ण यही ना है मेरा, तो कर्ण के परितः घुमाया जाता है। तो कर्ण के परितः हम डंडा उंडा बांध दिए हैं, इसको घुमा के दिखा रहे हैं, तो दिख रहा होगा ऊपर भी शंकु और नीचे भी शंकु बन रहा है, ये कल्पना कर रहे हैं कैसा बनेगा शंकु, ठीक है? तो बोल रहा है क्या चीज, इस प्रकार प्राप्त द्वि शंकु, द्वि मतलब दो शंकु, अगर यहां से हम इसको ज्वाइन करा दे तो एक नीचे शंक्वाकार रूप बन रहा है, एक ऊपर शंक्वाकार रूप बन रहा है ना, एक नीचे शंक्वाकार है, एक ऊपर शंक्वाकार रूप बन रहा है ना। तो बोला जा रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें, वास्तव में तो ये त्रिभुज है लेकिन कल्पना कर रहे हैं हम लोग, जब इसको रोटेट कर रहे नचा रहे हैं तब जाके रूप ले रहा है शंकु जैसा, तो उस शंकु का आयतन निकालना है, कोई कौन शंकु, तो द्वि शंकु, द्वि मतलब दो शंकु बनना है उसका, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हमें पता है क्या, देखो इसमें पता है क्या, एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, ये इसका क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है, कर्ण को छोड़कर अतिरिक्त भुजा एक है 4 सेंटीमीटर का और दूसरा कितना है, कॉमन सेंस लगाना है, क्वेश्चन बनाना है। इसको हम लोग किसके परितः, कर्ण के परितः नचा रहे हैं, तो देखो कल्पना करो, कल्पना करो कि चावला बन जाओ, देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का शेप लेगा, लेगा ना, अगर इसको इससे ज्वाइन करा दे, ध्यान से, इसको अगर इससे ज्वाइन करा दे तो देखो ऊपर एक शंकु दिख रहा है, एक नीचे शंकु दिख रहा है, शंकु दिख रहा है कितना, दो शंकु दिख रहा है, कितना, दो, और शंकु का आयतन हम फॉर्मूला जानते हैं 1/3 πr². समस्या ये है इसमें तो हमको हाइट ही नहीं पता है, पता है क्या शंकु का हाइट, शंकु दो है इसमें, एक ऊपर शंकु एक नीचे शंकु, ऊपर शंकु का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है और निचला शंकु का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि शंकु का हाइट क्या है। सबसे पहला काम क्या होगा, हाइट निकालना। अब हाइट कैसे निकालेंगे, देखो कॉमन सेंस लगाना है फिर से, ये क्या एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, नाम चलो देते हैं ए बी सी, दे देते हैं ओ, क्या दिए, ओ, ध्यान से समझना इसी को, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी ओ, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या चीज, सी बी ओ, या ऐसे बोल सकते ए ओ बी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये भी तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे, एक नीचे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो ये समकोण त्रिभुज में हमें नहीं चलना है, पहले चलना है बड़का समकोण त्रिभुज में, ध्यान समझना बड़का समकोण त्रिभुज में, तो बड़का समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज में चलेंगे, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कर्ण निकालने के लिए, 90 के ठीक सामने होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण, और हम जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 90 के साथ लंब भी होता है और आधार भी होता है ना, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है। चलो करते हैं, चलते हैं हम लोग कहाँ, तो चलते हैं समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या पता है, ए बी बराबर पता है 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमें पता है 3 सेंटीमीटर, निकालना हमें क्या चीज है, कर्ण लगा देंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण यानी कि देखो 90 के ठीक सामने वाला ए सी क्या हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की जगह पर कितना
चार सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पर कितना 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ दिए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए सी बराबर जंप करेगा अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ए सी बराबर कितना 5। तो हमें निकल के आया ए सी। अब इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बुद्धि लगाएंगे तो जरूर कर पाएंगे। देखो ए सी से क्या पता चल गया हम लोग को, टोटल हाइट पता चल गया ना, टोटल हाइट ना पता चला। ए सी मतलब टोटल हाइट, टोटल हाइट की जरूरत है क्या? आयतन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/3 क्या जानते हैं फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए भी जानेंगे फॉर्मूला वही ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर R1 H1 R2 H2 समझ रहा है बात? तो हमें हर हाल में निकालना है क्या हाइट। सब सोचेगा यही, हम नहीं सोचेंगे ये, सब सोचेगा क्या निकालना है कि हाइट निकाल लेते, हम नहीं निकालेंगे हाइट। क्यों तो निकालेंगे हाइट नहीं निकालेंगे, निकालना पड़ेगा हमें त्रिज्या, हाइट की जरूरत नहीं है। देखो कैसे नहीं जरूरत है आगे देखेंगे, तब बड़ा लंबा वीडियो में देखो समझ जाओगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज, रेडियस निकालना सीखेंगे यहाँ से। तो रेडियस तो आराम से निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर क्लास 7 जो ढंग से पढ़ के आया है उनको कहीं दिक्कत नहीं। देखो कैसे, देखो कैसे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तो पढ़ते आए हैं 1/2 आधार गुणी शीर्षलंब। 1/2 आधार को अगर मानते हम ए सी, आधार मानते ए सी तो शीर्षलंब होता है ओ बी। क्या होता है? ओ बी। क्लियर समझा? इक्वेशन मानते हैं हम इसको फर्स्ट, मानते हैं फर्स्ट। और अभी टेंशन नहीं लेना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दूसरा बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है, सर 1/2 आधार हम इसको मानेंगे, सर शीर्षलंब इसको मानेंगे, नहीं बोल सकता है। आधार क्या चीज, ए बी या शीर्षलंब मानेगा किसको, बी सी को। शीर्षलंब मतलब होना चाहिए 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ तो 90 डिग्री बन रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, दो तरीका, समीकरण 1 और 2 से दोनों तो सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो बोल सकते हैं हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकल के आएगा, 1/2 AC × OB बराबर 1/2 AB × BC। क्लियर है? हाफ से हाफ साफ, समझ रहा है बात? एसी मतलब कितना, तो 5 सेंटीमीटर। एसी मतलब कितना, हाँ वो भी मतलब कितना नहीं पता ना, बराबर ए बी मतलब कितना, तो 4 सेंटीमीटर। कितना 4 सेंटीमीटर। बी सी मतलब कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर निकालना तो हमें ओ बी ही था, यानी कि त्रिज्या निकल गया, समझा बात? तो क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर बट्टा में 5 सेंटीमीटर कवरेज एरिया में है। दिस इंप्लाइज ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 4/12 नीचे सेंटीमीटर छूट गया, सेंटीमीटर पार हो गया, 12/5 से भाग लगा दो, 12 में भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, ओ बी बराबर, देखो 5 × 5 = 10 दशमलव, क्या बच गया 2 × 5 = 20 समझ में आ गया है? तो हमें निकल गया है क्या चीज, निकल गया है त्रिज्या, क्या निकल गया, हाँ इस प्रकार बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, इस प्रकार शंकु फर्स्ट और शंकु सेकेंड का त्रिज्या क्या निकल के आ गया, 2.4। अब देखो मन विचार, यहाँ देखो कट जाएगा ये बात कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, रेडियस दोनों का सेम है, समझ रहा बात, रेडियस तो दोनों का सेम है, निकल गया रेडियस हमें, रेडियस हमें पता है। अब हम बहुत आसानी से निकालेंगे किसका, इसका आयतन, पहला क्वेश्चन बोला था दुई शंकु का आयतन निकाले, इसलिए लिख देंगे हम लोग दुई
शंकु का आयतन बराबर जगह की कमी, तो यहाँ नीचे लिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, 1/3 πr h1 यहाँ दस स्क्वायर दस ठीक गया, फिर प्लस 1/3 πr2 h2 क्लियर है यहाँ तक, 1/3 πr2 कॉमन यहाँ से h1 + h2 1/3 π का वैल्यू लो 3.14 ले लिए इंटू रेडियस कितना 2.4 2.4 h1 + h2 पहला हाइट प्लस दूसरा हाइट मिलके तो पूरा हाइट, समझ आया बात, अब पूरा हाइट क्या निकाले थे हम लोग 5 सेंटीमीटर समझ में आया ना, क्या नहीं लिए थे सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर पर पावर क्यों, और 3 × 3 = 24 0.8 और सबको कर देंगे गुणा, तो कर देते हैं गुणा, तो क्या आ जाएगा 8×5 = 40 यानी कि 4 40 यानी कि 4 4 को 24 से गुणा करेंगे कितना 96 नहीं होगा 96 को गुणा करना किससे 314 से, तो चलो करते हैं 314 × 96 करते हैं गुणा, तो देखते हैं जब गुणा किए तो रिजल्ट मिला 30.144 cm³, तो यही मेरा हो गया आयतन, अगर NCERT का माने तो 30.14 cm³ लिख के बहुत खुश है वो, यही आंसर है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या जानते हैं, πrl, क्या जानते हैं फॉर्मूला, πrl, यहाँ भी जानते हैं क्या चीज फॉर्मूला, अरे इतना आसान है कि क्या बताए, क्या बताए, आर तो हमें सेम है, त्रिज्या ऊंचाई पहले से क्वेश्चन दे के बैठा दिया था ना, कहते बोल त्रिज्या ऊंचाई 4 है इसका 3 है, अब तो आसान है बहुत ना, तो निकालना आगे क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब लिख देंगे क्या, इसलिए दुई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी भी बताएंगे लास्ट तक ट्विस्ट है, देखते रहना क्वेश्चन, कि दुई शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है πrl + πrl, तो l तो दो को है, दो प्रकार का, तो l1 और l2, ये सब डाटा हम लोग पहले ही लिख देते, मेरे पास जगह की कमी है, तुम लोग लिख लेता है यहाँ पे सारा डाटा, ठीक है लिख लेना, तो पाई आर तो कॉमन ले सकते हैं ना, पाई आर ले लिए कॉमन, यहाँ से l1 + l2 तो पाई की जगह पर 3.14 लेके आए हैं, तो लेके चलेंगे 3.14 गुने रेडियस कितना निकाले थे हम लोग 2.4 सेंटीमीटर ना, ब्रैकेट l1 + l2 तो 4 + 3 है ना, 4 cm + 3 cm, दिक्कत तो नहीं है, 3.14 × 2.4 × 4 × 3 = 7 cm² सबको गुना कर देंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो चलो करते हैं गुना, अब हम इसको गुना किए तो आया 52.752 cm², ठीक है, तो बहुत बच्चा को दिक्कत यहाँ पर आके हुआ होगा, तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना, हम बोले थे पहले बार कि क्लास 7 जो पढ़ा है ढंग से उसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक चीज बताए थे और तुम लोग भी जानते हो कहावत कि नाक पकड़ने की जब बात होती है तो नाक को डायरेक्ट ऐसे पकड़ो या ऐसे हाथ घुमा के पकड़ो, इधर में थोड़ा कष्ट होता है लेकिन पकड़ा था नाक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी जगह पे पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता का चयन करे या छोटा रास्ता का चयन करे, वह मंजिल तक ही पहुंचाएगा, जहां जाना वहीं तक पहुंचाएगा, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें, ध्यान समझना, इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये मेरा है समकोण, ये मेरा है क्या है समकोण, असमकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 कोई आदमी आधार इसको मान के शीर्षलंब इसको मान सकता है,
दूसरा व्यक्ति नहीं, हम इसको आधार मानेंगे और इसको शीर्षलंब मानेंगे तो गलत नहीं है, एरिया तो उतने का निकलेगा, क्षेत्रफल तो वही निकलना है, इसलिए दोनों समीकरण को हम कंपेयर कर लिए। यहाँ पर दोनों समीकरण को कंपेयर कर लिए हैं क्योंकि दोनों तो एक ही चीज का क्षेत्रफल आ रहा है ना, एक ही चीज का एरिया आ रहा है, तो दोनों को सामने सामने हम पटक के रख दिए। जो जो पता था वो तो पता ही था, जो लापता था वही पता चल गया यहाँ से। समझ में आ गया क्यों किए? चलो अब नोट कर लो।